महिला चौपाल अध्यक्ष सह भाजपा नेत्री शालिनी बैसिख्यार के नेतृत्व में शुक्रवार को कोर्ट रोड स्थित होटल निखर में धन्यवाद मोदी जी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल लोकसभा व राज्यसभा में भारी मतों से पारित हो जाने की खुशी में मोदी जी का धन्यवाद और आभार प्रकट किया गया। इस दौरान मोदी जी के चित्र पर गुलाल लगाकर इस बिल के लिए धन्यवाद दिया गया। इसके बाद महिलाओं ने भी एक दूसरे को गुलाल लगाकर बधाई दी। बताया गया कि गिरिडीह की महिलाएं पोस्ट कार्ड के माध्यम से पीएमओ को धन्यवाद ज्ञापन देकर प्रधानमंत्री के प्रति अपना आभार व्यक्त करेंगी। इस कार्यक्रम में विभिन्न संगठन से जुड़ी महिलाएं सम्मिलित थी। श्रीमती बैसिख्यार ने कहा, खुशी इस बात की है कि सभी राजनीतिक दलों ने AIMIM को छोड़कर महिला आरक्षण विधेयक का समर्थन किया है। सभी पार्टी के लोगों ने वोट किया। यह ऐतिहासिक पल है। यह बिल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार की महिला सशक्तिकरण और उनके कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दर्शाता है। डॉक्टर पुष्पा सिन्हा ने कहा कि यह बिल हमारे देश की महिलाओं को उनकी योग्यता और सामर्थ्य के आधार पर सशक्त बनाएगा और समाज को एक नई दिशा में ले जाने में मदद करेगा। मौके पर सोना प्रकाश, गुड़िया देवी, रश्मि टारको, रेखा टारको, कुसुम सिंह, पुष्पा शक्ति, किरण पांडे, लता वर्मा, रूबी गुप्ता, संगीता सेठ, प्रिया वेद, स्वाति मिश्रा, नीतू शोला, मीना गुप्ता, सुषमा गुप्ता, पिंकी सिंह, बेबी देवी, संगीता बैसिख्यार, सुमन भदानी आदि उपस्थित थी। यहाँ बहने एकत्रित हुए हैं और वो वजह आप सभी जान रहे होंगे। हमारी खुशी की वजह क्या है, आधी आबादी आज क्यों खुश है। आधी आबादी को मोदी जी ने एक अभूतपूर्व तोहफा दिया है। वैसे तो जब से वो सत्ता में आए हैं वो आधी आबादी के लिए सतत चिंतनशील रहे हैं और समय समय पर योजनाएं बनाई हैं, पर इस बार जो उन्होंने एक नायाब तोहफा दिया है वह नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल पास करवा कर। हम सभी तभी तो शुरू से कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। आप सभी जान रहे हैं कि पिछले 27 वर्षों से यह जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ये नाम तो अभी मोदी जी ने दिया। इसके पहले जो बोलिए महिला आरक्षण बिल जो राजनीति में था, 33% सीटों पर विधानसभा हो या लोकसभा हो वो सीटों पर महिला को आरक्षण मिलने की बात चल रही थी, जो पिछले 27 वर्षों तक कई सरकारें आई और गई, और लेकिन यह बिल ठंडे बस्ते में पड़ा रहा। कोई भी पार्टी पास नहीं करवा पाया इस बिल को, लेकिन मोदी जी आए और ऐसे वो समझदार नेतृत्व उनका है, ऐसी सोच उनकी है, ऐसे समय पर उन्होंने बिल को सदन के पटल पर रखा कि किसी भी दल की, किसी भी व्यक्ति विशेष की, किसी भी नेता की, किसी भी पार्टी के हो, उनकी यह सोच नहीं हुई या बोलिए हिम्मत नहीं हुआ कि नारी शक्ति के बढ़ते कदम को वो रोक पाए और अंततः सभी को, चाहे उन्होंने खुशी से किया या मजबूरी में किया, लेकिन सभी ने सहर्ष इस बिल को पास किया और अंततः हम सभी राजनीतिक महिलाएं हो या समाज की भी हर एक महिला जो कोई न कोई काम में लगी है, या वो घर गृहस्थी संभाल रही है या नौकरी कर रही है या राजनीतिक क्षेत्र में है, सभी खुश है। क्योंकि महिला जब सशक्त होगी तो कोई एक महिला सशक्त नहीं होती है, समाज की हर महिला सशक्त होती है। क्योंकि जब महिला सदन में पहुंचेगी तो वो महिलाओं के सारे विषय ही वहां पर लेकर जाएगी और हर महिला की इच्छा होती है कि समाज की महिलाएं सशक्त हो, समाज की महिलाएं समाज के बेहतरी करें। क्योंकि जब एक महिला मल्टीटास्किंग करती है, अपने घर को संभालती है, तो एक बेहतर समाज का निर्माण भी नारी शक्ति कर पाएगी। तो नारी शक्ति इस बढ़ते कदम को मोदी जी ने इतना बढ़ावा दिया, हम सभी उनके कृतज्ञ हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं। विजय तिलक हम सभी ने उनको भी लगाया और हम सभी बहनें भी आपस में एक दूसरे को विजय तिलक लगा रही हैं। नारी शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद, हम आभार प्रकट करते हैं क्योंकि उन्होंने गणेश चतुर्थी के दिन इस विधेयक को लाया है और अभी दुर्गा पूजा आने वाला है और नारी की पूजा होती है और नारी को इतना बड़ा सम्मान मिला, ये हमारे प्रधानमंत्री के सोच को दर्शाता है कि उनका जो
विचार है, उनकी जो भावनाएं हैं, वो महिलाओं के प्रति कितनी सम्मानजनक है।